happened? Is this crazy? ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कुछ लोग ऐसी उम्मीद जता रहे थे कि ट्रंप व्हाइट हाउस में वापस आते ही इजराइल और यूक्रेन की जंग को खत्म करा देंगे, और ट्रंप ने कुछ ऐसा वादा भी किया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव के बाद मिडिल ईस्ट के हालातों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बल्कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां आसमान से IDF हिजबुल्लाह पर बम और गोले बरसा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इन हमले के बावजूद इजराइल के भीतर बड़ी बड़ी मिसाइलें दाग रहा है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने IDF के नौसैनिक अड्डे स्टेला मारिस पर एक रॉकेट हमला किया है। आपको बता दें कि स्टेला मारिस बेस हाइफा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इजरायली सेना इस बेस का इस्तेमाल नवल मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऑपरेशन के लिए करती है। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने स्टेला मारिस के अलावा हाइफा के दक्षिण में एलिकिम बेस पर भी मिसाइलों का एक जत्था फायर किया, और इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उसने कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध ने एलिकिम बेस को हाइफा के दक्षिण में निशाना बनाया। इस पर मिसाइलों का एक जत्था फायर किया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने 7 नवंबर 2024 की शाम को मनारा सेटलमेंट पर भी रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, और इस हमले के बाद यारून कस्बे में इजरायली सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, तो इसी दौरान हिजबुल्लाह के लड़ाकों की IDF से सीधी भिड़ंत हो गई। हिजबुल्लाह के मुताबिक इस झड़प में IDF के कई जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं, और इसके बाद उत्तरी इजराइल के सारा शोमेरा, गिफ्ताहा और दोवेब सेटलमेंट पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, और तब हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर भी कई राउंड रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने योरन गांव में भी इजरायली सैनिकों पर उस वक्त हमला किया जब वो लेबनान में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं इफ्ताह मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल फायर की। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन दोनों ही हमलों में IDF को तगड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाइफा पर ड्रोन हमले में एक गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। אלוהים, תיזהר, זה שתי רכבים, תיזהר, שומע? אני אפתח את הצינור השני। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी गाड़ी के शीशे चटके हुए हैं। उसके आसपास रॉकेट हमले का असर साफ दिख रहा है।